राज्यसभा चुनाव कारण राज्यसभा चुनाव को लेकर भाजपा विधायक दल की बैठक और बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री मुरलीधर राव शामिल हुए। राज्यसभा चुनाव के लिए राजस्थान का पर्यवेक्षक बनाया है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी विधायक दल की बैठक में शामिल नहीं होंगी। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया की अध्यक्षता में ये बैठक तो भाजपा प्रदेश कार्यालय के बाहर चार बस से पहुंची। विधायक दल की बैठक के बाद विधायकों को होटल में शिफ्ट किया जाएगा। तीन सीटों पर होने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां बढ़ गई है, जहां कांग्रेस की जेडब्ल्यू मेरिट में कांग्रेस विधायक और निर्दलीय विधायकों की बाड़ेबंदी जारी है। वहीं आज भाजपा विधायक दल की बैठक पार्टी मुख्यालय में रखी गई है। तमाम विधायक और आला नेता इस बैठक में मौजूद है। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि भाजपा मुख्यालय के बाहर ये लग्जरी वोल्वो बसें पहुंच चुकी है, चार यहां बसें पहुंची है। जैसे ही बैठक पूरी होगी विधायकों को इन बसों में बिठाकर सीतापुरा स्थित एक निजी होटल में भिजवाया जाएगा, जहां पर इन विधायकों को मतदान तक 19 जून तक रखा जाएगा। इस दौरान विधायकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा किस प्रकार से मतदान किया जाता है। हालांकि ये पार्टी दावा कर रही है कि जो ये दो दिन होटल में रखे जाएंगे, इस दौरान जो नए विधायक आए हैं उनको मतदान का प्रशिक्षण दिया जाएगा कि राज्यसभा चुनाव में किस प्रकार मतदान किया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो उठापटक राज्यसभा चुनाव में चल रही है उसमें सेंधमारी के डर से भाजपा भी अगले दो तीन दिन तक इन विधायकों को होटल क्राउन प्लाजा में रखेगी, ताकि किसी प्रकार की कोई सेंधमारी भी नहीं हो और इस दौरान पार्टी के जो नए विधायक चुनकर आए हैं उनको मतदान का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। तो यूँ कह सकते हैं कि राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासत तेज हो चुकी है। भाजपा मुख्यालय के अंदर बैठक जारी है और बाहर ये बसें खड़ी है। जैसे ही बैठक खत्म होगी विधायकों को बसों में बिठाकर होटल में रवाना किया जाएगा। कैमरा पर्सन निमिचंद के साथ हिंदू सिंगल फाइव टीवी जयपुर।